अल्लाह जी शान को देख रहे हो। एक शहजादा असा जी शहर मिसर का चंबा अच्छा था बेटा जिस नाम ते जील का नाम रखे गए। ये कई सदियों की बात है, कहानी सुना रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर सुना रहे हैं। और इस जील ख्वाब के अंदर देखे मिसर के शहजादे परी की ख्वाब भी देखी है मिसर कहानी सुन दूंगी। शहजादे ने बात नहीं मानी अपने वालिद की, निकल गया शहर में सरबे दीवाना हो गया, घूमना लग गया, घूमते घूमते ऐसा लग गया ये झील वाला रास्ता नहीं मिला ये वाला जी, अगे गया जंगल भी अफान इलाका है मिसर में शहजादा। अच्छा। तो वहाँ घूम रहे, बड़ा हसन वाला है, खूबसूरत इंसान है। तो वहाँ का अलग वली बैठा हुआ है जंगल में, उसने देखा शहजादे को बुलाया है, शहजादे जंगल में क्या तलाश कर रहे हैं। शहजादे ने क्या मैंने झील देखनी है परी देखनी है, अल्लाह के वली ने क्या आपको नहीं मिल सकती झील भी परी भी, आप अल्लाह की इबादत करें। वहाँ ही अल्लाह की इबादत की है, 40 दिन चला कटे शहजादे जंगल के अंदर अल्लाह के वली के पास बैठ के, तो शहजादे के कब्जे में मिल गए जनात। उन्हें जनाता वहां तो उठाया शहजादे को यहाँ ला के तारे, शहजादा सीधे पै गया अल्लाह की इबादत करने लग गया। अल्लाह की इबादत किया तो उसको मिल गई सलमानी टॉपी। सलमानी टॉपी बहुत करमाती होंगी है बच्चों को, इंसान किसी नजर नहीं आता, वो जमाने ये पहाड़ बंद आसी मिली गई ऐसी अगे तो। उन्हें जनाता शहजादे को उठाया था झील के पास लाया था, झील देखा शहजादे ने जनाता क्या शुक्र अल्लाह का झील यही है जो मैंने ख्वाब ही देखा मिस्र की झील मिल गया। सात सहेलियाँ अठवीं मलका बदर जमाल परी जारा परियाँ की मलका शहजादी है, जड़ियाँ परियाँ ख्वाब ही देखी मिस्र के अंदर शहजादों परियाँ एक देव के कैद बचे हैं के काब के अंदर चेचियाँ बे वहाँ परियाँ का प्रस्थान है रेशिया में। हर महीने चांदी चौदवी रात को परियाँ झील के अंदर उठकानियाँ से नाना के लिए, नाना के लिए आइया अपना अपना ताज लिबास तारिया परियाँ झील में नाना लाग गया। शहजादे ने देखा तो वही परियाँ जो ख्वाब देखी मिस्र की जनातों के हम तादम की जात है, करीब जाएगा ये और जासूम कैसे हासिल हो गई जनाता नहीं क्या ये हमारी डिप्टी हमारा काम है। मलका बदर जमाल परी रताज लिबास उठा के जनाता नहीं ला के बंद करके शहजादे को दे दिया। दूसरी सहेलियाँ अपना अपने ताज पहन तोड़ के चला गईं के काफ के अंदर, तो मलका किली रहेगी झील के अंदर जिस परी ना तो तारीख बनी। शहजादा उस परी सामने चला गया, परी नीचे आई शहजादे मेरी सहेलियाँ चला गई मैं किली रह गई मेरा घूम गया ताज लिबास किसी के पास है मिल जावा मेरे दे दो कि मैं उठ के चला जाऊँ। शहजादे नीचे मैंने बहुत सफर काटे नसीबत काटी भुखा रहा प्यासा रहा पहाड़ा के अंदर, ताप का ताज हमारे पास आपको नहीं मिल सकता। पर इनके आए शहजादे मैं आपके साथ वैदा कर दिया इकरार कर दिया कि राजी हूँ ज़रूर चला जा सा मेरा मालिक है देश वैदा जब आपको ख़त्म कर रहेगा। शहजादे ने क्या मौत जिंदगी अला जा चुका है यहाँ तो परी को लेकर चला गया शहजादा नाराज था। दूसरे सहेलियाँ जाकर पहुँचे के काफ के अंदर देव शवैद के पास, देव शवैद से पूछो उन्होंने सहेलियाँ को कि मेरी मलका कहाँ है। उन्होंने सहेलियाँ गल बताई आज मलका जुदा हो गई झील के अंदर डूब गई मर गई चिट्टी मिठाली मालिक हुआ था उस परी का बहान तो गुस्से न खुदकशी न परी इतलाश हस्ते निकला के तोड़े है बेटा इस पहाड़ को तोड़े है जिस हस्ते तोड़े की झील खाली है शायद परी डूब जो बाहर निकाला अगर अगर नारायण अंदर परी जा रही है शहजादा जा रहा है पीछे की झील का तूफान जा रहा है। जब तूफान देखा है शहजादे सच्चे जमाने दुआ मंजूर होने वाला तो दुआ मंजूर शहजादे अल्लाह इतनी मुसीबत कटी सख्ती कटी भुखा रहे प्यासा रहे ना पाला भी ताज तूफान आ गया बाज ना सकता तू चलने वाले बेटा तो उन्हें दुआ मंजूर होगी नारायण अंदर एक सुन बन गई तो परी शहजादा सुन भी चला गया। तूफान दाएँ साइड से गुजर गया बाएँ साइड से गुजर एक जंगल भी अबान लाका सौ जमाने इंसान की जात ना सी के सबसे पहले वो इंसान आए जगह तो उसका ना सा सैफ जेल सफर मलुक उसके नाँ तो जील का नाँ रखे मलका बदर जमाल परी ने मलका पर पहाड़ का नाँ रखे गया मलुक कहते कि यहाँ परी शहजादी जी मुलाकात हो आपस में और फिर यहाँ तो परी को हासिल करके तो शहजादा लेकर मिसर भी गया ये स्टोरी है जी खत्म हो गई। शुक्रिया मैंने चार सुनाई है बहुत लंबी गल है ना तो टाइम नहीं होगा। शुक्रिया बहुत बहुत।